हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज आपके लिए लेके आए एक और ड्रैग रेस, मारुति सुजुकी स्विफ्ट वर्सेस होंडाई i20। तो भाई ये डीजल में है, ये आती है 1200 cc के इंजन में, ये पेट्रोल में, भाई ये भी 1200 cc का इंजन है। बात करूँ दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशंस की तो भाई बता देता हूँ इसमें कितना bhp आता है और इसमें कितना bhp आता है। स्विफ्ट में मिलता है भाई 83 bhp और 190 Nm का टॉर्क। भाई अगर i20 की बात करोगे भाई पेट्रोल, तो इसमें मिलता है भाई 82 bhp और 114 Nm का टॉर्क। तो भाई डीजल गाड़ी है इसलिए इसका टॉर्क ज़्यादा है, तो ये तो फर्क होना ही चाहिए। बाकी भाई स्विफ्ट की थोड़ी सी बॉडी भी हल्की अगर कंपेयर करें i20 से, दोनों है ही है, दोनों ही हैचबैक है भाई, सेम सेगमेंट है दोनों का। प्राइस रेंज में थोड़ा बहुत फर्क था उस टाइम पे भी भाई, जो अब दोनों आ रही है उनमें भी फर्क है, पर देखते हैं भाई दोनों की ड्रैग रेस करके कौन सी गाड़ी जीतती है। तो चलो भाई ज़्यादा बात ना करते हुए ड्रैग रेस करते हैं शुरू। तो चलो भाई पहला राउंड करते हैं शुरू। मैं आ गया हूँ स्विफ्ट में भाई, इसका कर लेते हैं एसी ऑन। टेम्परेचर इतना किसने बढ़ा दिया भाई, लो पे कर देते हैं, लो पे नहीं, चलो भाई इसको 21 पे कर देते हैं। इसका एसी कर दिया ऑन, एसी ऑन, सारी एसी बदल दिया, तो एसी ऑन कर लिया, ठीक है दोनों गाड़ियों का एसी ऑन है भाई। तो करते हैं भाई पहला राउंड शुरू, देखते हैं कौन सी गाड़ी जीतती है। यार ये आगे अड़ रहे हैं रास्ते में, तो चलो भाई शुरू करते हैं। एक ये भाई स्विफ्ट अपनी i20 काफी पीछे है भाई, 90 तीसरे गियर में भाई, कहीं 100 i20 काफी पीछे रहेगी भाई। ब्रेक ले लेते हैं, 120 टच हो गई भाई, खैर गाड़ी 120 तक भाई अपनी स्विफ्ट आगे थी, 120 तक क्या मतलब 60 की स्पीड में आगे हो गई थी। हाँ भाई इस राउंड में भाई दूसरा राउंड है, इसमें भी एसी ऑन रखते हैं, एसी ऑन है ना, ठीक है तीसरे में बंद कर लेंगे, शीशा कर ले बंद, मैं ऑन से कर दूंगा 1 2 3, ठीक है 1 2 3, व्हील स्पिन। इस राउंड में भाई आपकी स्विफ्ट आगे है थर्ड गियर, काफी गैप तो नहीं है भाई मतलब, पर ठीक है 100 चढ़ गई है भाई, ब्रेक ले लेते हैं, 100 प्लस चली गई थी। दो गाड़ियों का गैप रह गया था भाई, पहले राउंड में तो 3-4 गाड़ियों का गैप था, दूसरे राउंड में भाई 2 गाड़ियों का गैप रह गया था। अब इस थर्ड राउंड में भाई दोनों गाड़ियों को कर देते हैं एसी ऑफ। अभी भी मैं मतलब भाई कह रहा कि एक राउंड और मेरे को i20 चलाने दे भाई, बेल्ट लगा लेता हूं, दोनों राउंड में मैंने लगाई थी, अब इस राउंड में हटा दी थी, चौथे राउंड में ड्राइवर चेंज कर लेंगे, इस बार एसी ऑफ कर दिया दोनों गाड़ियों। तो भाई थर्ड राउंड कर लिया, कैमरा ऑफ था भाई, कैमरा ऑन करना भूल गया, वहां से इधर तक आ गए यार, क्या करे। चलो भाई थर्ड राउंड दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है भाई साहिल 1 2 3 तू कर हॉर्न से, तू कर हॉर्न तू बजा दे 1 2 3। लो भाई दोनों की बढ़िया लॉन्च हुई है, एसी ऑफ है इस राउंड में, स्विफ्ट निकल गई भाई। दूसरे राउंड में भाई जो स्विफ्ट किक इन करती है ना, डीजल इंजन जो पावर देता है ना भाई, तीसरा गियर 100, चौथा गियर लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, 3 गाड़ियों का गैप बना दिया कम से कम भी। थर्ड राउंड भी भाई जो शूट नहीं हो पाया यहाँ से वहां तक कर लिया था, तो दोबारा शूट कराया, उसकी भी क्लियर विनर आपकी स्विफ्ट है। इस राउंड में भाई स्विफ्ट का एसी ऑन कर देता हूँ और उसका i20 का बंद रखता हूँ, ड्राइवर कर लेते हैं चेंज। तो भाई मैं आ गया हूँ i20 में, स्विफ्ट का रखेंगे एसी ऑन, इसका करेंगे भाई एसी ऑफ। इस राउंड में इसको एडवांटेज दे देते हैं सारी, देखते हैं फिर निकलती है या नहीं। अरे बढ़िया उठी है भाई i20 इस राउंड में, दूसरा गियर ना भाई ना, दूसरे गियर में भाई एक i20 पेट्रोल होगी ना तो पिकअप ही नहीं उठा रही भाई, तीसरे गियर में तो चलो फिर भी उठा रही है, देख लो भाई कहां तक निकल गई अपनी स्विफ्ट, कम से कम भी 3 गाड़ियों का गैप दे दिया भाई, वो कम से कम 120 पहुंच गई होगी, ये 100 पे ही अभी तक, बहुत गैप बना दिया भाई। क्लियर कंक्लूजन यही है कि डीजल इंजन स्विफ्ट का जो है ना भाई उसकी टक्कर नहीं है। तो भाई ड्रैग रेस का कंक्लूजन यही है कि आपकी जो स्विफ्ट है भाई यही निकलेगी, क्योंकि वो डीजल भी होगी भाई, थोड़ी सी इस i20 की बॉडी से थोड़ी सी डीजल स्विफ्ट की बॉडी हल्की है, और एक तो डीजल में होगी, पेट्रोल में होगी भाई, तो टॉर्क ज़्यादा है। तो भाई लॉन्ग रेस में बात करोगे तो आपकी पेट्रोल i20 नहीं जाने देगी भाई, स्विफ्ट को कहीं भी नहीं जाने देगी, और शॉर्ट रेस भाई ड्रैग रेस वगैरह की बात करोगे तो भाई i20 स्विफ्ट से हार जाएगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, थैंक यू भाई, राम राम।